हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुधा यादव एंड यू आर वाचिंग ग्रीन कॉर्नर। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट की। ये जो आपके सामने रखा है, दो पॉट है मेरे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग स्पाइडर प्लांट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, पर जो इसके बारे में नहीं जानते, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये जो प्लांट है, ये इसके प्रोपिगेशन और केयर दोनों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रोपिगेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इस टाइप के रेलिंग प्लांटर में मैंने इसे लगाया है कि प्लांटर तो काफ़ी छोटा है, पर प्लांट ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया। देखिए इसमें कितने सारे बेबी प्लांट है। ये जो इस टाइप से इसमें से निकलते हैं, ग्रो करते हैं, ये मेन प्लांट है और ये उसका बेबी, इसे बोलते हैं बेबी प्लांट्स। और इन बेबी प्लांट्स से ही हम इसका प्रोपेगेशन करते हैं। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे यहाँ से ऐसे कट करना है। जैसे ये पोर्शन है, आप इसे कट करके, ये रूट पोर्शन भी आपको दिख रहा होगा, आपको इसे लगाना। मैं इसे कट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं कट करके अलग से रख चुकी हूँ। ये देखिए, ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको इसको लगा के बताती हूँ कि आपको इसे कैसे लगाना है। तो ये मैंने एक और प्लांटर रेडी करके रखा है। ये अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें रूट्स आ चुकी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें रूट ज़्यादा नहीं है, लगाएंगे तो लगेगा या नहीं लगेगा, आपको सब बहुत ही छोटे वाले बेबी प्लांट को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं लगेगा। जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये अच्छे से मच्योर हो चुका है, जैसे ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है और इसमें रूट्स भी काफ़ी है, तो आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप ये इतने छोटे वाले बेबी को लेंगे तो वो नहीं लगेगा, तो प्लीज़ इसे कट नहीं कीजिए। ये देखिए, ये हम लगाएंगे। ये देखिए, अच्छे से ग्रो हो चुका है, इसमें ये रूट है। और ये आपको अभी मैं लगा के बताती हूँ। ये जो आपकी एक्स्ट्रा लीफ है, जो कि हम यदि लगाएंगे तो नीचे सॉइल में वैसे भी टच होके ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसे पहले से ही हटा देते हैं। ये देखिए, ये तो अब ये वाला जो पोर्शन है, इसे रूट वाले पोर्शन को हम ऐसे सॉइल में रखेंगे इस तरह से। तो ये बहुत अंदर नहीं करना है आपको, हल्के से प्रेस करके सिर्फ ऐसे करना है। ये देखिए, ये हम लगा लिया हमने। दो और लगा लेते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो एक ये वाला लगाएंगे, इसमें से भी कुछ लीव्स को हटा देंगे। और ये है रूट पोर्शन, इसको लगाते हैं। ये लग गया है। और एक और लगाते हैं। ये देखिए, इसमें रूट्स फ़िलहाल नहीं दिख रही है, इसलिए इसको नहीं लगाते। तो ये दो, ये वाला देखिए, ये दो बेबी प्लांट हम लगा चुके हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है लगाने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, तभी आप इसमें पानी डालिए। और इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसे आप शेड में रखिए, डार्क में नहीं रखिए, शेड में रखिए। कहने का मतलब है कि जहाँ रोशनी अच्छी आती हो, मतलब सनलाइट तो रहे पर इनडायरेक्ट सनलाइट रहे, तभी अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। बस यही था इसके प्रोपेगेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का। तो ये हो गया। अभी इसकी मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, और लगाने के पहले जैसे आपको इसमें लगाना है, इसमें आपने पॉट में आप सॉइल को पहले से डाल दीजिए, उसमें पहले से पानी डाल दीजिए, ठीक है। यदि आप ड्राई में लगाएंगे और उसके बाद आप जैसे वाटरिंग करेंगे ना, तो इसकी ये रूट हिल के ये पौधा गिर सकता है, इसलिए आप उसमें पहले से मिट्टी को, जैसे आपको आज मॉर्निंग में लगाना है तो आप रात में ही इसमें पानी डाल दीजिए, ताकि वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए पानी और मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, और फिर आप इसमें लगाइए, तो इसके रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन हमारा हो चुका है, अब इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसकी केयर इतनी ईजी नहीं है। इसकी केयर थोड़ा, यदि आप थोड़े लेज़ी टाइप के हैं तो प्लीज़ इसे मत लाइएगा, क्योंकि आपको इस वाले प्लांट को पूरा अटेंशन देना ज़रूरी है, वरना ये अच्छे से ग्रो नहीं करता। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, और मैं अपनी बात करती हूँ। एक्चुअली जब मैं इस प्लांट को लगाया था, मैंने तो काफ़ी टाइम तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, ये प्लांट वैसे ही था। फिर जब मैंने इसकी लोकेशन चेंज करी, तब इसमें ये सारे बेबी प्लांट्स आए। एक्चुअली मैंने इसे शेड में रखा था, मतलब अभी भी शेड में ही है,
पर अभी सनलाइट अच्छा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से भी इसमें बेबी प्लांट ग्रो नहीं होंगे। यदि आप इसे इंडोर लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे बहुत सारी रोशनी आए, क्योंकि इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, फुल मतलब फुल सनलाइट चाहिए, वो भी इनडायरेक्ट। डार्क में यदि आप रखेंगे, जैसे आपने किसी इंडोर रूम में रख लिया, वहाँ पे रोशनी नहीं है, अंधेरा सा है, तो बिल्कुल भी ये प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा, जबकि जो प्लांट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बस इसका इतना ही है। बहुत ज़्यादा आपको मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, कंटिन्यू पानी भी नहीं डालना है। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए, जैसे मैंने इसमें कल पानी डाला था ना, तो आज इसकी मिट्टी एकदम ऐसी हो चुकी है, ये देखिए। जब आप इसे नए प्लांट में लगाते हैं तो मेन, सबसे मेन चीज़ होती है इसका ड्रेनेज होल। आप किसी भी प्लांटर में कम से कम दो ड्रेनेज होल रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ड्रेनेज होल बनाते हैं, उसे कवर करते हैं, और पूरा प्लांट लगाने के बाद ऐसा होता है कि पानी नीचे से नहीं निकलता, तो आपका प्लांट पूरी तरह से ख़राब होता है। फिर आपको पूरी मिट्टी निकालनी है, फिर आपको फिर से वो करना है। तो दो ड्रेनेज होल का बेनिफिट ये होता है कि यदि एक से पानी ड्रेन आउट नहीं हुआ तो दूसरे दूसरे से तो होगा ही। तो ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो ही आपका प्लांट अच्छा होगा। और बात उसकी कंपोस्टिंग की है तो ठीक है, आप महीने महीने में भी ना करें, 1.5 महीने में, 2 महीने में भी करेंगे इसमें कंपोस्टिंग, इसमें फर्टिलाइज़र, तो भी चलेगा। तो यही इसका, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये हल्की सी ऐसी ही केयर है। यदि आपके यहाँ सनलाइट आती हो तो आप इसे खरीदिए, यदि बिल्कुल अंधेरा रहता तो प्लीज़ इसे मत खरीदिएगा। ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। सो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। ये देखिए मेरे एक और ये वाला प्लांट है, ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्पाइडर प्लांट लगा रहे हो तो आपको बहुत सा बड़े 12 इंच या 16 इंच के प्लांटर की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से उसमें भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। सिर्फ आपको उसकी सनलाइट के बारे में ध्यान रखना है, उसकी वाटरिंग के और उसके ड्रेनेज के, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पाइडर प्लांट के लिए। फिर आप एक स्पाइडर प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। देखो इसमें कितने बेबी प्लांट हैं, आप इससे ढेर सारे स्पाइडर प्लांट्स बना सकते हैं। तो आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। ओके, बाय।